हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं पाइथन कोडिंग ऑनलाइन क्लास। ओके, आज का लेक्चर नंबर 4 डिवाइड का प्रोग्राम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि दो वैल्यूओं को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रोग्राम पहले टाइप कर दिया है, इसको आप रन कराइएगा। तो आपने पहली वैल्यू डाली, इंटर फर्स्ट वैल्यू लिख के आया और यहाँ पर 100 आपने पास किया। ओके, फिर आ रहा है इंटर सेकेंड वैल्यू, आपने यहाँ पे 3 को पास किया, इंटर बटन प्रेस करी। तो जैसे इंटर बटन आपने प्रेस करी, आपको एक रिजल्ट मिला 33 point something something something। ओके, ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले एक वैल्यू 1 नाम का वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 नाम का वेरिएबल है, वैल्यू 1, और जब आप 100 यहाँ पे टाइप किया और इंटर बटन दबाई, तो ये 100 जो था वो हमारे वैल्यू 1 में रिसीव हो गया जाके। ओके, रिसीव कैसे हुआ, उसके लिए आपने इनपुट फंक्शन लिखा है। तो इनपुट फंक्शन का काम यही होता है, यूजर से वैल्यू को लेना। ये वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इंटीजर टाइप की वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉइंट वैल्यू ना आए, माने निगेटिव से पॉजिटिव तक एनी वैल्यू, जैसे 10 माइनस का 10 प्लस का 20, ऐसे कोई भी वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। फिर देखिए, मैंने वैल्यू 2 नाम का एक सेकेंड वेरिएबल लिया है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल बना देता हूँ वैल्यू 2, और वैल्यू 2 में भी वैल्यू पास कराने के लिए मैंने इनपुट फंक्शन यूज कर लिया और ये वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है। ओके, तो जब मैंने यहाँ 100 लिख के इंटर किया और यहाँ 3 लिख के इंटर किया, तो हुआ क्या, 100 पहुँचा वैल्यू 1 के पास, 3 पहुँचा वैल्यू 2 के पास। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मुझे मिल गई, एक 100 और एक 3। ओके, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया और इसका नाम है रिजल्ट। ये जो रिजल्ट वैल्यू है, ये अपने पास रिजल्ट स्टोर करने वाला है। वो रिजल्ट क्या है, वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2। ओके, तो जैसे आप वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2 लिख रहे हैं, वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2, तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपका इस वेरिएबल में सेव हो गया। 33.33 something आ रहा है, वो रिजल्ट वेरिएबल में सेव हो गया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट वेरिएबल में सेव जरूर हो गया है, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है। तो प्रिंट कराने के लिए आपको फिर से एक नया फंक्शन टाइप करना पड़ेगा। इस फंक्शन का नाम होता है प्रिंट। प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगा के आप रिजल्ट लिख दीजिए। तो अगर आपने सीधे लिख दिया तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये है क्या तो वो पता चले, इसलिए मैंने इसके आगे आंसर इक्वल टू लिखा हुआ है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने मन का कोई भी मैसेज पास कर सकते हो, जैसे माई रिजल्ट इज, उसके आगे आप रिजल्ट वेरिएबल लिख दीजिए तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको आपको एक बार दोबारा रन करा के भी दिखाता हूँ। तो देखिएगा, रन किया, पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू 50, इंटर किया सेकंड वैल्यू 17, इंटर किया और मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे कि 2 पे के पास में काफ़ी 2 के बाद में पॉइंट में काफ़ी सारे नंबर आ गए हैं। सपोज करिए आप ऐसा रिजल्ट चाहते हैं जो सिर्फ इंटीजर में है, माने जिसमें पॉइंट वैल्यू ना आए, तब आपको अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। करेक्शन नहीं बोलेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे डबल डिवाइड के निशान लगा दीजिए, जो वैल्यू 1 डबल डिवाइड वैल्यू 2, और इसको रन करा दीजिए। ओके, इस बार मैंने 50 डाला, इंटर किया, 17 डाला, इंटर किया और आंसर आया 2, और पहले वाले प्रोग्राम में आया था 2 point something something। तो यहाँ पे क्या है हो रहा है वो समझ लीजिए, जब भी आप सिंगल स्लैश लगाएंगे या सिंगल डिवाइड का निशान लगाएंगे, तो आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो पॉइंट में होगी, जैसे हमें पहले मिल रही थी 2 point something something। लेकिन जब आप डबल डिवाइड का निशान लगा देंगे, तब आपको सिर्फ 2 मिलेगा और पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिजल्ट में आएगा। इसको मैं दोबारा रन करके दूसरे वेरिएबल के साथ में आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू फिर से ली, इस वैल्यू का नाम है 100 और इंटर किया, तो ये 100 जो है वो वैल्यू 1 में रिसीव हो गया। फिर मैंने यहाँ 3 करके जैसे ही इंटर करूँगा, ये वैल्यू वैल्यू 2 में पहुँच गई और रिजल्ट आ गया 33। यहाँ पे डबल डिवाइड लगा था इसलिए। अब इसी को अगर आप सिंगल डिवाइड कर दो, मैं इसको अब सिंगल डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको वापस से रन कराता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 100 लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिया, इस बार आंसर आ गया 3.33। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और ये कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।